हमारा आज का पहला वर्ड है दुकान। दुकान को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉप या आप बोल सकते हो स्टोर, दोनों ही आप बोल सकते हो। वैसे शॉप जो है वो यूके में बोला जाता है और अमेरिका में बोला जाता है स्टोर। नेक्स्ट है गोदाम। गोदाम या माल गोदाम जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है दुकान वगैरह का, तो गोदाम इसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब गोदाम। नेक्स्ट है कबाड़ की दुकान। कबाड़ की दुकान या कबाड़ी की दुकान इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जंक शॉप। जंक शॉप मतलब कबाड़ की दुकान। नेक्स्ट है नानबाई की दुकान। नानबाई की दुकान में केक पेस्ट्री वगैरह ये सब मिलते हैं, तो नानबाई की दुकान इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेकरी। बेकरी मतलब नानबाई की दुकान। नेक्स्ट है किराने की दुकान। किराने की दुकान से मतलब है जिसपे किराने वगैरह का सामान मिल जाए उसे हम कहते हैं किराने की दुकान। बाय द वे किराने की दुकान को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रोसरी शॉप या आप बोल सकते हो ग्रोसरी स्टोर, दोनों ही आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है सब्जी या फल की दुकान। दोनों की ही दुकान को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ग्रोसर्स। ग्रीन ग्रोसर्स मतलब सब्जी की दुकान या फल की दुकान। नेक्स्ट है मिठाई की या मिष्ठान की दुकान, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कन्फेक्शनरी स्टोर या आप बोल सकते हो स्वीट शॉप। नेक्स्ट है फूलों की दुकान। फूलों की दुकान को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरिस्ट शॉप। फ्लोरिस्ट शॉप मतलब फूलों की दुकान। नेक्स्ट है किताबों की दुकान। किताबों की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं बुक शॉप या आप बोल सकते हो बुक स्टोर। नेक्स्ट है साहूकार की दुकान या आप बोल सकते हो गिरवी की दुकान, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉन शॉप मतलब गिरवी की दुकान या साहूकार की दुकान। और स्टेशन के पास जो छोटी सी दुकान होती है जिसपे न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब वगैरह मिलती है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बुक स्टॉल। नेक्स्ट है जौहरी की दुकान। जौहरी की दुकान को हम इंग्लिश में कहते हैं जूलर्स शॉप। जूलर्स शॉप मतलब जौहरी की दुकान। नेक्स्ट है दवा की दुकान। दवा की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट शॉप या आप बोल सकते हो ड्रग स्टोर या आप बोल सकते हो फार्मेसी, तीनों का ही मतलब होता है दवा की दुकान। नेक्स्ट है खिलौने की दुकान। खिलौने की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं टॉय शॉप या आप बोल सकते हो टॉय स्टोर। नेक्स्ट है कसाई की दुकान। कसाई की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं बुचर शॉप मतलब कसाई की दुकान। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए जिससे आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। नेक्स्ट है धूम्रपान की दुकान। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मोक शॉप। स्मोक शॉप या आप बोल सकते हो टोबैकोनिस्ट शॉप मतलब धूम्रपान की दुकान। नेक्स्ट है मछली की दुकान। मछली की दुकान को हम इंग्लिश में कहते हैं फिश मंगर्स शॉप मतलब मछली की दुकान। नेक्स्ट है पुराने वस्तु की दुकान। इसमें क्या होता है पुराना सामान मिलता है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीक शॉप। एंटीक शॉप मतलब पुराने वस्तु की दुकान। नेक्स्ट है चोर बाजार या काला बाजार, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट मतलब चोर बाजार या काला बाजार। नेक्स्ट है दर्जी की दुकान। दर्जी की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं टेलर्स शॉप। टेलर्स शॉप मतलब दर्जी की दुकान। नेक्स्ट है नाई की दुकान। नाई की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं बाबा शॉप। बाबा शॉप मतलब नाई की दुकान। नेक्स्ट है कपड़ों की दुकान। कपड़ों की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं क्लोथ्स शॉप मतलब कपड़ों की दुकान। और छोटी दुकान जहाँ पर फैशनेबल क्लोथ्स मिलते हैं और महंगे मिलते हैं उस दुकान को हम इंग्लिश में कहते हैं बूटीक। बूटीक। एंड द लास्ट वन इज जूतों की दुकान। जूतों की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं शू शॉप या आप बोल सकते हो शू स्टोर। ये दोनों आज के क्विज है, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। और अगर वीडियो पसंद आया आप सभी को तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।